Today we see the timer instructions in PLC instruction set. Okay, so see that what is a timer instruction. Okay, it is defined as the instruction that provide time delay in a circuit or a system during its on or off condition. Okay, टाइमर इंस्ट्रक्शन हम लोग किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, जो भी सर्किट में टाइम डिले आपको प्रोवाइड करना पड़ता है और सिस्टम को अगर आपको ऑन और ऑफ कंडीशन अगर चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, टाइमर इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं. ओके, सो सी द फर्स्ट टाइमर इंस्ट्रक्शन इज दैट इज़ द ऑन डिले. ओके, सो इट इज़ इंडिकेटेड एज अ टी on. Okay, so this is the functional block diagram of on delay timer. In functional diagram, see the one is the start, that is 1 or 0 form, then these are the pins, and t on delay, then timer T4 as to 0, timer base 1 second, and preset 010, and accumulator it is 0. Okay, it is the format for T on delay timer. Okay, so see the one by one description. The first one, it is this instruction is used to provide a predefined time delay to turn on any device on delay timer block shows timer type is T and 5 numbers 4, hence it is indicated as a T4. Okay, so this यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो instruction है हम लोग किस लिए use करते हैं, प्रीडिफाइन अगर आपको टाइम डिले क्या करना है, जो है डिवाइस आपको क्या करना है, ऑन करना है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं. और वो जो ऑन डिले टाइमर ब्लॉक है वो क्या शो करता है, टाइमर शो करता है 5 टाइप टाइमर्स टी. ओके, सो 1, 2, 3, 4 और 5 टाइप्स टाइमर टी शो करता है और 5 नंबर्स दैट इज 4. ओके, सो यहाँ पे क्या है, T4 है, हेंस इट इज़ इंडिकेटेड एज अ T4. ओके, सो सी द नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंड टाइमर 0. अभी 0 क्या इंडिकेट करता है, दिस इज़ द लोकेशन इन अ PLC मेमोरी. ये क्या है, जो PLC मेमोरी है उसमें का लोकेशन ये इंडिकेट करता है. ओके, देन टाइमर स्टार्ट काउंटिंग द टाइम बेस इंटरवल व्हेन द रग कंडीशन बिकम्स ट्रू. जब भी रग कंडीशन अगर ट्रू होगी आपकी, तो टाइमर क्या स्टार्ट हो जाएगा, काउंटिंग करना. ओके, द टाइमर इंक्रीमेंट इट्स एक्यूमुलेटेड वैल्यू फॉर एवरी स्कैन टू रीच द प्रीसेट वैल्यू. ओके, टाइमर क्या करता है, इंक्रीमेंट होता है, जब भी क्या होता है, इंक्रीमेंट अपना एक्यूमुलेटेड वैल्यू, यहाँ पे जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होती है एवरी स्कैन में टू रीच इट्स प्रीसेट वैल्यू. प्रीसेट वैल्यू मीन्स हम लोग ऑलरेडी उसको फिक्स नंबर देते हैं, वो होता है प्रीसेट वैल्यू. ओके, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, प्रीसेट कर सकते हैं. ओके, सो ये जो टाइमर है वो इंक्रीमेंट करता है एक्यूमुलेटेड वैल्यू को for every scan reach preset value. Okay, so see the next, that is the time base. अभी इसमें जो time base है वो क्या है, it is the time base is 1 second, which indicate that processor increase this accumulated value in 1 second. Means यहाँ पर जो टाइम बेस में 1 second दिया है, ओके, ये क्या इंडिकेट करता है, दैट प्रोसेसर क्या होगा, इंक्रीजेस होगा एक्यूमुलेटेड वैल्यू इन 1 second. मीन्स 1 second में जो भी प्रोसेसर है वो क्या करेगा, जो भी एक्यूमुलेटेड वैल्यू है अपनी, वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा. ओके,
अभी देखो नेक्स्ट इसमें क्या है, टाइम बेस विद द डिफरेंट टाइमिंग अवेलेबल विथ टाइमर। टाइम बेस में क्या होता है, जो भी हम लोग डिफरेंट टाइम अवेलेबल करते हैं टाइमर में, मोस्ट कॉमन यूज टाइम बेस आर 1 सेकेंड। मोस्ट ऑफ द हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 1 सेकेंड या फिर 0.1 सेकेंड और 0.01 सेकेंड। ओके, अभी प्रीसेट वैल्यू क्या है। ओके, हम लोगों ने जो भी फॉर्मेट देखा है वही एक एक जो है टॉपिक देख रहे हैं। अभी जो टाइम बेस देखा था उसके पहले टाइमर देखा है और उसके पहले टाइम ऑन डिले। ओके, वो वही पैराग्राफ में मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी हम लोग क्या देखने वाली है, प्रीसेट वैल्यू। ओके, सो प्रीसेट वैल्यू देखो क्या है, द प्रीडिफाइंड वैल्यू दैट इंडिकेट्स द डिले टाइम। या पे जो प्रीडिफाइंड वैल्यू होती है वो क्या इंडिकेट्स करती है, जो भी डिले टाइम है वो इंडिकेट करती है। ओके, दिस वैल्यू वेरीज फ्रॉम, अभी ये जो वैल्यू है वो वेरी होती है 0 to 3 to 7 6 7। ओके, डिले टाइम में इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टाइम बेस एंड प्रीसेट वैल्यू। ये जो क्या रहता है, ये मल्टीप्लीकेशन रहती है टाइम बेस और प्रीसेट वैल्यू की। ओके, अभी एक्यूमुलेटर क्या है, लास्ट जो हम लोगों ने देखा था एक्यूमुलेटर, जो भी क्या देख रहे हैं हम लोग, फॉर्मेट देख रहे हैं उसके हिसाब से जा रहे हैं। एक्यूमुलेटर देखने वाले हैं अभी, देखो एक्यूमुलेटर क्या है। सो सी, एक्यूमुलेटर वैल्यू इज़ ज़ीरो एट द स्टार्ट ऑफ टाइमर। जब भी टाइमर स्टार्ट होगा तब एक्यूमुलेटर क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा, एंड इट विल इंक्रीज अंटिल इट रीच द प्रीसेट वैल्यू। ओके, और ये इंक्रीज कब तक के होगा, जब तक प्रीसेट वैल्यू हम जो सेट करी है वहाँ तक के ये इंक्रीज हो जाएगा। स्टार्टिंग में वो क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा जब भी टाइमर ऑन होगा, बाद में ये इंक्रीज होगा अप टू प्रीसेट वैल्यू तक। ओके, सो इन दिस वे दिस इज द टी ऑन टाइमर। ओके, सो सी, दीज आर द टाइमिंग डायग्राम ऑफ ऑन डिले टाइमर। ओके, टाइमिंग डायग्राम देखो, अभी इसमें जो है आपको टाइमिंग डायग्राम्स दिए हैं, तो इसमें क्या है, फर्स्टली आउटपुट बिट। अभी आउटपुट बिट में हम लोगों ने अभी ऑलरेडी देखा है डी एन, दैट इज डन बिट। ओके, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, डी एन, इट इज डन बिट। अभी ये आउटपुट के बिट्स देखने वाले हम लोग, तो फर्स्ट है ना डन बिट। सो सी, डन बिट में क्या है, जो भी वैल्यू है वो हाई कब होगी, बिकम हाई वेन कब होगी, द एक्यूमुलेटर वैल्यू इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू प्रीसेट वैल्यू। मीन जब भी एक्यूमुलेटर वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर दैन और प्रीसेट और इक्वल टू प्रीसेट वैल्यू रहेगी, तभी ये जो डी एन है, दैट इज डन बिट है, वो क्या होगा, हाई होगा। अभी वो रिमेन हाई कब रहेगा, जब भी रग कंडीशन अपनी क्या होगी, फॉल्स होगी, तभी ये जो क्या होगा, डन बिट हमेशा हाई रहेगा। अभी फंक्शन वेन इट इज वन, मीन्स ये जो डन बिट है ये वन कब होगा, कब होगा, व्हेन द डन बिट इज वन, इट इंडिकेट्स टाइमिंग ऑपरेशन इज कंप्लीटेड। मीन्स डन बिट अगर वन होगा तो आपका जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, कंप्लीट हो चुका है, वो इंडिकेट करेगा। ओके, सो सी द नेक्स्ट, दीज आर द नेक्स्ट आउटपुट बिट्स। अभी क्या है, ई एन, दैट इज द टाइमर अनेबल बिट। ओके, अभी इसमें ये कब हाई होगा, अनेबल बिट कब हाई होगा, जब रग कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अभी ये रिमेन्स हाई कब रहेगा, जब रग कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। अभी ये फंक्शन अगर वन रहा तो क्या इंडिकेट करेगा, व्हेन दिस बिट इज वन, इट इंडिकेट्स द टाइमिंग ऑपरेशन इज स्टार्ट। ओके, अगर ये वन रहा तो क्या इंडिकेट करेगा, टाइमिंग ऑपरेशन अपना क्या हो गया है, स्टार्ट हो चुका है, ये इंडिकेट करेगा। ओके, लास्ट है देखो अपना ये टाइमिंग डायग्राम में क्या है, टी टी मीन्स इट इज टाइमर टाइमिंग बिट। ओके, अभी ये कब हाई रहेगा, जब रग कंडीशन इज ट्रू, रग कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, एंड एक्यूमुलेटर वैल्यू इज लेस देन प्रीसेट वैल्यू। एक्यूमुलेटर वैल्यू क्या होगी, लेस देन प्रीसेट वैल्यू रहेगी, और रग कंडीशन जब ये ट्रू होगी
तभी ये जो टीटी बीट है, दैट इज़ टाइमिंग टाइमर बीट है, ये क्या हो जाएगा, हाई रहेगा. ओके, अभी रिमेंस हाई कब रहेगा, व्हेन डन बीट इज़ हाई, जब डी एन बीट क्या होगा, हाई होगा, और कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तभी ये टीटी बीट क्या रहेगा, रिमेंस हाई रहेगा. ओके, अभी फंक्शन वन रहा तो क्या इंडिकेट करेगा, टाइमिंग ऑपरेशन इज़ ऑन. अगर टीटी वन रहा तो क्या इंडिकेट करेगा, अपना जो टाइमिंग ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, ये इंडिकेट करेगा. ओके, सो इन दिस वे वी एक्सप्लेन. इसमें लास्ट है कंट्रोल वर्ड ऑन डिले टाइमर. अभी ये कंट्रोल वर्ड ऑन डिले टाइमर क्या है, देखो इसमें जो है आपको बिट दिए रहते हैं, बिट नंबर्स है ये. ओके, अभी ये बिट नंबर्स क्या इंडिकेट करते हैं, वर्ड जीरो मीन्स 15 जो बिट रहता है वो क्या रहेगा, अनेबल. जेन 14 क्या रहेगा, टाइमर. और 13 क्या रहेगा, डी एन बीट रहेगा. ओके, और जीरो क्या रहेगा, वो इंटरनल यूज़ के लिए रहेगा. अभी वर्ड सेकेंड जो है वो क्या इंडिकेट करेगा, बिट नंबर वर्ड फर्स्ट क्या इंडिकेट करेगा, दैट इज़ द प्रीसेट वैल्यू. और वर्ड टू क्या इंडिकेट करेगा, दैट इज़ द एक्यूमुलेटर वैल्यू, दैट इज़ ए सी सी. प्रीसेट वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, पी आर ई. ओके, तो ये हो गया कंट्रोल वर्ड ऑन डिले टाइमर. ओके, इस तरह आपको जो है एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है, ये डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है. सो टुडेज टॉपिक विल बी एंड. थैंक यू वेरी मच.